हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आफिन खान। आज मैं अपने इंडोर प्लांट में कुछ खाद डालने वाली हूँ फ्रेंड। यानी कि ये फरवरी का महीना है, तो अभी से जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं सारे के सारे अपनी ग्रोथ में आ रहे हैं, तो हमें अभी इस वक्त अपने पौधों में कुछ काम करना होता है। यानी कि विंटर इनका डोरमेंसी टाइम रहता है फ्रेंड, तो विंटर जा चुका है, अभी स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो हमें अपने पौधों में इन काम को करना होता है। हमें हमारे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सब में कुछ खाद देना होता है फ्रेंड। तो इस टाइम पे मैं इनको खाद देने वाली हूँ, और मैं कुछ ऐसा खाद देने वाली हूँ फ्रेंड जिससे हमारे पौधों की मिट्टी जो होती है वो केक की तरह सॉफ्ट और बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिससे पूरा साल हमारे पौधों को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है और बहुत ही हेल्दी रहते हैं हमारे पौधे। क्योंकि इंडोर प्लांट्स में हमेशा बहुत ज़्यादा खाद डालना नहीं होता है, सिर्फ साल में एक बार इनको अच्छे से खाद दे देते हैं, उसके बाद 2-3 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं हम हमारे पौधों में। ये मनी प्लांट है और ये जीजी का प्लांट है फ्रेंड, तो मैं आपको जीजी के प्लांट में इस खाद का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। और ये है फ्रेंड वो खाद, ये है पहला वाला जो है, ये है गोबर की खाद। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है सारे पौधों में, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो। और ये दूसरा है अंडे के छिलके फ्रेंड, इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा यानी कि सॉफ्ट बनती है, तो इसका इस्तेमाल करें आप। और इसका बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी हैं हमारे पौधों में। और ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को मैंने चाय वाली जगह में हल्का सा सुखा लिया है फ्रेंड धोने के बाद, तो आप भी इस तरीके से कर लें। और ये है फंगिसाइड पाउडर टाइकोडर्मा, जिसका मैं अपने सारे पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। और इनको मैं मिला लूँगी फ्रेंड इस तरीके से, मैंने इसे मिला लिया फ्रेंड, अब मैं अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करूँगी। तरीके से गुड़ाई कर लें, एक हाथ से बिल्कुल नहीं हो पाता फ्रेंड, पहले से मेरी मिट्टी गुड़ाई की हुई है, तो मैं हल्का सा करूँगी। इस तरीके से हल्का सा गुड़ाई कर लें, करने के बाद इसमें 1 से 2 मिट्टी सिर्फ डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है फ्रेंड, क्योंकि बीच बीच में इनको कभी कभी 20-25 दिन या 1 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है, तो बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिट्टी मैं डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देना फ्रेंड, सिर्फ इतना करें, इससे मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और हमारा जो पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ में जाता है। ऐसा करने के बाद इसमें पानी का स्प्रे कर लेना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इस तरीके से मिट्टी में इस तरीके से पानी डालना है फ्रेंड, इतना काफ़ी रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है हमारे पौधों की सिर्फ इतना करने पर। ये जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती रहती है फ्रेंड और अंडे के छिलके, अगर आपके पास ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं है, जैसे जैसे वो आपके घर में निकलता है, तो आप उस तरीके से 1-2 पॉट के लिए तैयार करें और अपने पौधों में डालते रहें। इस तरीके से सारे पौधों में आप डाल भी देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ आप अगर इस तरीके से सारे पौधों में डालते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसके लिए। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।